हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 16 लेक्चर ऑफ क्लास 9 सी हिंदी मीडियम। यह आपका 16 लेक्चर है और इस लेक्चर में देखिए क्रम बदल गया होगा, वीडियो में अलग अलग रूप से होता है, इसलिए 16 लेक्चर है और पीडीएफ फाइल में आपका 14वां लेक्चर होगा। ये तो देखिए इसमें हमको सॉल्व करना है कि इसका मान निकालना है। तो 1/√4 − √3 है, तो देखिए √4 का मतलब 2 हो जाएगा, वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। अब इसमें परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जो भी दिया गया हो नीचे हर में उसके बीच की साइन को बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोनों जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर ही हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, a − b a + b का रूप हो जाएगा, यानी a² − b² के रूप में लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना। तो 4 − 3 यानी 1, तो क्या आ जाएगा, 2 √3। इसी तरह देखिए ये सवाल दिया गया है, इसमें हर का परिमेयीकरण करना है तो 6/5 + √3 है, तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए 6 + 5 √5 + √2 को इसमें साइन चेंज करके यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद देखिए 6 यह गुणा हो जाएगा, यह a + b − b के रूप में हो जाएगा। हमेशा हर को इसी रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, a + b − b के रूप में, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर − √2 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, इसका हो जाएगा 2, घट के कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो 3 × 3 = 3, 3 × 6 ऊपर वाला कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 √5 − √2। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह दे रखा √3 + √2 और नीचे √3 − √2, तो इसका हर का परिमेयीकरण है तो यहाँ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये एक ही चीज दो बार आ गया, तो यहाँ a + b² का सूत्र लग जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a + b a − b का सूत्र लगेगा, यानी a² − b² बन जाएगा। तो ऊपर वाले में a² + b² + 2ab, यहाँ पे a √3 है और b क्या है, √2 है, तो इस तरह से लगा देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, ये a² − b², ठीक है ना, तो √3 का स्क्वायर − √2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 2 + √3 × 6, यहाँ 3 − 2 क्या हो जाएगा, 5 + 2√6/1, यानी कि 5 + 2√6। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि x = 4 − √15 तब x + 1/x का मान दिखाना है, तो x का मान दे रखा 1/x का पहले मान निकाल लीजिए, तो कैसे होगा, 1/ इतना हो जाएगा और इसका हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। कैसे करेंगे हर का परिमेयीकरण, माइनस साइन चेंज करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर यही हो जाएगा, धनात्मक के रूप में हो जाएगा, नीचे a + b का रूप आ जाएगा, पुनः फिर a² − b² का फॉर्मूला लगेगा, a − b a + b क्या बन जाएगा, a² − b² बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर − √15 का स्क्वायर, यानी क्या जाएगा, 16 − 15, ठीक है। तो 4 + √15/1 यानी 4 + √15, यह किसका माना गया, 1/x का माना गया। हमें निकालना क्या, x + 1/x, x का मान 4 − √15 दिया है, 1/x आपने निकाल लिया, 4 + √15 √15 √15 कट जाएगा, 4 + 4 = 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्रम में बढ़ते हैं। ये दे रखा है x = 2 + √3 तब x² + 1/x² का मान निकालना है। देखिए x का मान तो दे रखा है, सबसे पहले 1/x निकालिए, 1/x निकालेंगे क्या जाएगा, 1/2 + √3, और इसी तरह हर का परिमेयीकरण करेंगे, इससे पहले वाले प्रश्न किए थे, और परिमेयीकरण करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 − √3, यहाँ a + b a − b का रूप हो जाएगा, तो a + b a − b का रूप क्या हो जाएगा, a² − b² तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 − √3/4 − 3 = 2 − √3, तो 1/x कितना आ जाएगा, 2 − √3। हमें निकालना है x² + 1/x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x + 1/x² करेंगे माइनस 2x × 1/x करेंगे, कैसे, देखिए a + b² है तो यह क्या होता है, a + b² = a² + b² + 2ab रहता, और 2ab को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ a² + b² = a + b² − 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी रूप में देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ यह ए बी ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ 1/x², तो उसी रूप में a + b, यहाँ x + a 1/x² हो जाएगा और −2 × s + 1/x, तो x कट जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² + 1/x² = x + 1/x² − 2। अब इसका मान देखिए आपको पता है 2 + √3, 1/x का पता है 2 − √3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 √3 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर − 2, यानी 4 × 16 − 2 यानी 14 आपका आंसर आ जाएगा।